तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? तो फाइनली बीजेएमआई में 3.3 का न्यू अपडेट आ चुका है, एंड इसका गेम प्ले जो कि मैंने निकाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड। हाँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले, एंड एंड तक जरूर से देखना, एंड मिस मत करना। अब देखो, उतरते ही यहाँ पर मेरे को मिल गई गेम की, एंड अब देखो एक बंदे को आते ही पूरा फिनिश कर दिया है। अब मेरे को लेफ्ट साउंड आया, जिसको भी मैंने मार दिया। अब इसको मैंने फिनिश करने के बाद मेरे को और ज़्यादा थोड़ी बहुत लूट चाहिए थे, एंड लूट करने के बाद मेरे को नीचे साउंड आ रहा था कि नीचे कोई तो है, नीचे मतलब बंदे हैं, एंड मुझे पता लग रहा था कि यहाँ पर किल्स मुझे मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं नीचे आया, मेरे को दिखे दो बंदे, जिसमें से एक को मैंने कर दिया नॉक, एंड उसने मेरी एचपी खा ली थी, तो मैंने हील किया एंड दूसरी साइड में आ गया। मेरे को पता था इसका टीममेट इसको रिवाइव जरूर देगा। अब इसको रिवाइव मुझे देने नहीं देना। अब तभी देखो इसके टीममेट को नॉक फिनिश कर दिया। अब जो मैंने पहले नॉक किया था उसका मेरे को किल नहीं मिला था, तो मैं उसको किल कंफर्म करने गया था। यहाँ पे किल बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है, इनको मैंने फिनिश कर दिया, एंड तभी मैं लूट रहा था भाई, मेरे कुछ बोलना ही नहीं भाई, ये सामने से कब कैम कर रहा था, कब आया मेरे को पता ही नहीं चला। चलो मैं जब रिस्पॉन हुआ दूर कहीं तो आया था। अब ये मैंने क्या किया मेरे को नहीं पता, लेकिन मिलिट्री बेस में मेरे को फेंक दिया था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, एंड वहाँ से मैं गाड़ी ढूंढ कर यहाँ पे आ गया फिर से अपनी जगह पे। एंड यहाँ पर जैसे मैं आया, यहाँ पर मेरे को टावर पे एक बंदा दिखा, जिसको भी मैंने इजीली नॉक फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे बीच में फंस गया, एंड मेरे को नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे, और नीचे गिर गया मैं। अब देखो, अरे भाई साहब, ये कब से यहाँ पे कैम कर रहा था मेरे को नहीं पता, ये मेरे को खा जाता, खत्म था मेरा गेम प्ले यहीं पर। मेरे को मैं था नहीं कैसे बच गया, लेकिन बच गया भाई। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे बहुत देर रुका था, तभी ये भाई साहब आए और इनको मैंने फिनिश कर दिया। अब कुल मिला के मेरे 7 किल हो गए थे, नॉट बैड। एंड यहाँ पर बंदे बच रहे थे बहुत सारे, 4 बंदे बच रहे थे, तभी यहाँ पे आगे फायरिंग हुई, एंड मेरे को लगा कि आगे कोई तो है। ये भाई साहब दिखाई दे, और इनको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया, एंड ये तैरते हुए आ रहा था, एंड ये ऊपर से अगर मार आता तो मेरे को मार सकता है, लेकिन पता नहीं इनको क्यों, कहाँ पे, किसको, कहाँ पे तैर के जाना था पता नहीं। अब मैंने इसको फिनिश चपटाफट से फिनिश कर दिया, एंड अब कुल मिला के एक बंदा बच रहा था, उसको मेरे को मारना था, और मेरे को लग रहा था कि वो शायद से मेन वाले पैलेस में होगा ट्राइडेंट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ यहाँ का ट्राइडेंट अभी किसी ने नहीं निकाला था। जैसे मैं यहाँ पे आया, मेरे को उसका फुट आ गए थे, एंड मैप में नहीं दिख रहे होंगे लेकिन साउंड आ जाता है भाई। अब देखो ट्राइडेंट मेरे को निकलना था, एंड ट्राइडेंट का जो वो था ना सिंबल, वो भी आ रहा था यहाँ पे मेरे को पूरा रहा था, वो एग्जैक्टली मेरे सामने था। एंड तभी मेरे को साउंड आया कि वो बबल शूटर यूज करके ऊपर वाले छत पे गया है। अब तो मेरे को पता था कि इस वाले जगह पे ऊपर एक बहुत मस्त एंगल बनता है, तो ये शायद से ऊपर ही गया होगा, एकदम टॉप पे नहीं गया लेकिन बीच में कहीं तो गया होगा। जब मैं यहाँ पर आया तब मेरे को धक धक हो रहा था, ये पीछे से कहीं से मतलब जंप करके मेरे को सरप्राइज अटैक ना दे दे, तो मैंने बबल शूटर यूज़ किया एंड आगे ऊपर वाले साइड में आ गया। ये जगह बहुत ज़्यादा गंदी है, मैं क्यों बता रहा हूँ, गंदी यानी कि मतलब उस चीज़ से नहीं, कि ये इससे मतलब इस जगह से इतना ज़्यादा मस्त एंगल बनते हैं ना, आप लोग सोच नहीं सकते। अब देखना इसके साथ क्या होता है। बंदा भागने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पाया, तो इसको मैंने फटाफट से नॉक मिस कर दिया। एंड जो फीलिंग आती है ना जब पूरा हॉट ड्रॉप क्लियर करने के बाद ट्राइडेंट निकलने की, आय हाय, मतलब पूछो ही मत। एंड वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में। हाँ, वो एक बार मर गया तो वो छोड़ दो, वो मेरे मस्त यहाँ से अपना ट्राइडेंट निकाला एंड एक्स्ट्रा वाला रिकॉल उठाया। हाँ, इसमें तीन तीन रिकॉल है पहले के अपडेट की तरह नहीं है, उसका मैं गिफ्ट डालने वाला था लेकिन नहीं डाला, पता नहीं वो कितना गंदा अपडेट था। अब देखो यहाँ पे क्रैकन भी आ गया था, तो पानी भी भरने वाला था, तो यहाँ से मैंने एग्जिट किया, एंड एग्जिट करने के बाद मैं आया मिलिट्री बेस वाले आइलैंड पे, एंड यहाँ पर नीचे कोई भी नहीं था। मेरे को लग रहा था कि इस वाले एंट्री कोई तो होगा, लेकिन कोई नहीं था। तब मैंने मेरा स्टिंगरे निकाला एंड चला गया हमारे कहाँ, पोचिंकी में, पोचिंकी के रिकॉल के पास से मैं जा रहा था, एंड तभी मैं चर्च के पास जा रहा था,
तब मेरे को साउंड आया था पोचिंग के से बहुत ज़्यादा फायरिंग का। तब मेरे को लगा कि पोचिंग के चर्च पे रुकता हूँ एंड यहाँ से बहुत मस्त एंकर बनेगा, बहुत सारे किल सीख लेंगे। अब तभी देखना क्या होता है। अब यहाँ से स्टिंगरे पे दो लोग भाग रहे थे एंड तभी मेरे को ये दिखा, ये क्या बचा है भाई, ये एक दो गोली का बचा होगा कसम से। अब देखो मैं यहाँ पे बर्बल शूटर यूज़ करके ब्लू हाउस पे आ गया और आप लोग बोलोगे ये नीचे का पंथा मेरे को नहीं दिखा। अरे दिख गया था, लेकिन मेरे को कवर में आना था। तभी इसको भी फिनिश कर दिया, इसका रिफ्लेक्स ये देने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हो गया। अब देखो ये ब्लू हाउस बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड यहाँ से भी बहुत सारे किल्स निकल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनते एंड यहाँ से भी बहुत सारे एंगल बनते पूछेंगे कि रिकॉल पे। अब तभी देखो भाई ये दोनों जो बचे, ये दोनों की जो एचपी मैंने खाई है ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर नॉक होता ना तो मस्त थंबनेल बन जाता, मैं बता रहा हूँ। लेकिन बच गए भाई, बच गए, कुछ कर भी नहीं सकते। अब तभी कार्य आ रहा है, जिसको कि मैंने एक हेड मारा था तो इसकी पट तो गई होगी ऑब्वियसली। अब देखो ये गाड़ी वाला भी नीचे गया। अब मेरे को नहीं पता था कि ये जो दो बंदे स्टिंगरे पे गए एंड जो कार में गए ये एक ही टीम के या फिर अलग अलग टीम के, एंड जो जो मेरे को मैंने जिसको डैमेज दिया था वो भी पीछे था, तब वो फायर कर रहा था तब उसको मेरे को मारना था, इसलिए मैं बबल शूटर यूज़ करके यहाँ पे आ गया एंड लकीली ये भाई साहब मेरे को मिल गए। जिनको कि मैंने नॉक कर दिया एंड आगे जाने के बाद फिनिश कर दिया। आप देखो मेरे को जाना था चर्च के पास क्योंकि वहाँ से मेरे को वो जो बंदे इनको मारना, भाई क्या चुम्मा नॉक किया है इसको मैं बता नहीं सकता। अब इसका टीममेट को मेरे को मारना था, मेरे को लग रहा था ये दो बंदे ये वही है जिनको मैंने स्टिंगरे से मतलब उतारने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे आया यहाँ पर मैं कवर कवर आ रहा था, मेरे को डर था कि वेयर हाउस में बंदा हो सकता है, लेकिन वेयर हाउस में तो कोई नहीं था, स्मोक हो गया था तो इसका टीममेट तो जिंदा था। यहाँ पर मैंने फायर करने की कोशिश की लेकिन कोई तो था नहीं। अब देखो मैंने एंगल बनाया कि मैं वेयर हाउस के ऊपर जाऊँगा वहाँ से उनको मारूंगा। अब इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, अब ये फिर से मेरे को पीक तो देने वाला था नहीं, तो सोचा कि एक नेट डालूँ लेकिन गलती से हो गया ओवरकुक, ये तो हवा में ही पड़ गया। अब इसके टीम इसने उसके टीममेट को जिसको मैंने नॉक किया था उसको रिवाइव कर दिया था शायद से, आई थिंक रिवाइव ही कर दिया होगा, मेरे को जितना तक आइडिया है मेरे को पता नहीं। अब देखो यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि सीढ़ी के पास होगा वहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ पर भी नेट नहीं गया, ये फिर से नॉक हो गया एंड इसके पास सेल्फ रिवाइव किट थी। एंड तभी आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे यहाँ से एक कूप गई है भाई, ये दूसरा इसका टीममेट वो भी नॉक हो गया एंड पीछे से मेरे को पड़ रही है, कोई तो एम भी मार रहा है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर आया नेट खींचा, मेरे को लगा कि नेट से पटेगा लेकिन नहीं, जो कूप वाले गए थे उनकी पीछे फाइट हो गई। अब मैं इस तरह से बोल रहा हूँ इतने फास्ट फास्ट, वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन थी, बहुत सारी टीम एंड बहुत सारी फाइट हो रही थी। तभी ये भाई साहब आए जिनकी मैंने पीटी बना दी। अब मेरे को यहाँ पे फूट आ रहा था नीचे नीचे स्मोक भी हो रहा था, अब मेरे को नहीं पता था स्मोक में कितने बंदे है भी या फिर नहीं, तो मैं फायर कर रहा था यहाँ पे नहीं, लेकिन ये नॉक वाला ही था, इसको मैंने मार दिया। कुल मेरे के 13 किल हो गए थे एंड तभी यहाँ पे एक बग्गी भी आती, भाई सारे मेरे को ही मारने भी पड़े, मतलब मेरे पीछे क्या है, सभी को मेरे किल चाहिए लेकिन मेरे को आप लोगों की किल चाहिए, आप लोग यानी कि ये गंगा की किल चाहिए। अब देखो ये पीछे से जो डीपी चला रहा है ना, ये बहुत गंदा वाला कैंपर है। अब देखना है कि किस तरह का सांप है, देख रहे हो जी कितना जहरीला सांप है, आप लोग देखो सबसे पहले। अब देखो देखो सबसे पहले यहाँ पे पीछे में भी मतलब पीछे भी बंदे थे ऑब्वियसली, सभी चारों तरफ बंदे थे। अब देखो इसको भी मैंने नॉक कर दिया एंड तभी मेरे को पीछे से पड़ रही थी एंड मैं फटाफट से आया अंदर और हील कर रहा था एंड हील करने के बाद मैं जब यहाँ पे आया तो जो कूप वाले थे उसने इसके टीममेट को मार दिया। अब मेरे को मेरा किल मिल गया, मैं बड़ा खुश, 14 किल हो गए थे। अब देखो यहाँ पर दो टीमें थी, मेरे सामने थी ब्लू हाउस के पास एंड जो कूप से गए थे वो दो लोग थे, और दो थे चार थे मेरे को नहीं पता, शायद से दो ही थे। देखो अब सामने से मेरे को स्नाइपर भी चल रही थी, मेरे को देखो कोई तो मार रहा था एंड दूर सप्रेस गन थी, मेरे को नहीं पता कौन सी गन थी, आई थिंक यूएमपी थी, पता नहीं क्या मार रहा था।
तभी यहाँ पे एक बग्गी भी गई भाई, सारे लोग यहीं से जा रहे भाई, क्या है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत देर तक रुका रहा लेकिन कोई आया नहीं, तो मैंने स्टिंगरे निकाला एंड कर दिया ऊपर वाले के ऊपर पूछ। एंड यहाँ पर मैं जब जैसे आया मेरे को दिखे दो बंदे भाई, मेरी पड़ गई, मैं भग गया पीछे। लेकिन नहीं, शेर हमेशा दो कदम पीछे लेता है ताकि वो अच्छे से अटैक कर सके, तो इनको लगा कि मैं भाग रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मैं उनको लगा कि मैं जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पीछे से उनके ऊपर एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, अब तभी मेरे को ये गिली सूट वाला बंदा स्पॉट हुआ, जिसको कि मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन वो बच गया एंड मेरा साउंड उनको चला गया, मेरी लोकेशन उनको पता चल गई, तो ये लोग मेरे को मार सकते इजीली। तो मैंने स्टिंगरे निकाला एंड सोचा कि उनके ऊपर सीधा पुश कर देते हैं एंड देखते हैं कि क्या सीन, आखिर सीन क्या है वहाँ पे। तब मेरे को दिखे दो बंदे जो कि वहाँ पे मतलब दूसरी किसी टीम से फाइट ले रहे थे एंड उन्होंने मेरे ऊपर भी फायर किया। तब मैंने सोचा कि चलो जोन इन करते एंड इन वाले कंपाउंड पे रुकते। अब इन वाले कंपाउंड पे रुकने के बाद एक सीन हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैं ऐसे यहाँ पे क्यों रुका हूँ, तो घर वालों ने बुलाया था यार, अब देखो, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा। मेरे को नहीं पता था, मैं जब मैं आया तब मेरे को पता चला कि यहाँ से वो लोग चले गए। तभी मैंने स्टिंगरे निकाला फिर से एंड उससे मैं स्काउट कर रहा था कि कोई यहाँ पे दिखेगा। एंड जैसे मैं यहाँ पर आया तभी देखो ये घर के पास, जैसे मैं इस घर के पास आया, इस घर के छत पे मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ। मेरे को नहीं पता था यहाँ पे कितने, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड से जा रहा था, ये मेरे को बहुत इजीली मार सकता है, लेकिन अब देखना इसके साथ क्या होता है। सबसे पहले इसको मैंने बबल में फंसा के नीचे गिरा दिया एंड मैं खुद छत पे आ गया एंड ये सीधा भग गया मेरे जो मेरे जिस घर के छत पे हो ना उस घर में। एंड मेरे को लगा कि नेट से मस्त फूटेगा, लेकिन यहाँ से एंगल नहीं बन रहा था नेट, तो मैंने कैंसिल कर दिया। एंड आई थिंक मेरे को लगा कि यहाँ से एंगल बनेगा एंड हाँ, यहाँ से एंगल बन रहा था नेट के लिए। तब देखो मैंने नेट डाला लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखो अब देखो ये यहाँ वहाँ घूमे जा रहा था, मेरे को नहीं पता ये क्या कर रहा था एंड ओवर कुक हो गया नेट फिर से एंड मेरी हेल्थ गई एंड मैंने थोड़ी सी एडलिन सीरीज जो बोलते हैं वो इंजेक्शन लगा लिया। एंड तभी ये बंदा मॉली वॉली डाल रहा था एंड पीछे भगा एंड पता नहीं इसको क्या चुलती, ये बाहर आ गया, जिसको कि मैंने ईजिली फिनिश कर दिया। अब मेरे यहाँ पे हो चुके टोटल 15 किल, मेरे अलावा बच रहे 5 लोग एंड यही एक कंपाउंड था जो कि आखिरी जोन में था। एंड अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो जैसे मैं आया वहाँ पर, मैं स्काउट कर रहा था एंड तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखाई दिया। मैं फटाफट से आया इस घर की छत पे एंड यहाँ पे रुक गया। इसको मैंने इजीली नॉक कर दिया एंड इसके पास थी सेल्फ रिवाइव किट। मेरे को पता था ये सेल्फ रिवाइव हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरे यहाँ पे कान खड़े थे, मेरे को पता था कि यहाँ पे साइड में मैंने फायर किया है, यहाँ पे किसी ने फायर नहीं किया था। तब सबकी नज़र मेरे ऊपर होगी, अगर ये पूरी स्क्वाड हुई तो मेरे लग गए एंड तभी मेरे लेट में स्मोक हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा इधर उधर देखा करो। लेकिन देखो अब मैं यहीं पे छत पे ही था एंड अब देखना एक सीन हो जाता है बहुत ज़्यादा गंदा वाला। भाई इसने क्या गंदा आगा है भाई, इसको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा एंगल था, ये ऑग वाले के ऊपर पता नहीं इसने क्या ही कर दिया, लेकिन पता नहीं लेकिन मार दे। अब देखो जिसको मैंने नॉक किया था वो सेल्फ रिवाइव हो गया था, उसके पास ग्रोजर थी, वो टैप टैप करके जिसने मेरे को ऑग से डैमेज दिया था उसको उसने नॉक फिनिश पूरा कर दिया। अब देखो ये सेल्फ रिवाइव हुआ था, मेरे को नहीं पता था ये इस टीम का आखिरी बंदा है या फिर नहीं। अब देखो उसके पास जोन नहीं था एंड इसको जोन में आना था, तो मैं यहाँ पे रुक गया, तभी ये जोन में आया। जी भाई जी, कितना गंदा आ गया था रे, लेकिन कर दिया नॉक। अब ये नॉक हो गया था तो मेरे को लग रहा था कि भाई इसकी टीम आगे हो सकती है या फिर इसका एक बंदा हो सकता है, ये मेरे को मार सकता है, ये मेरी लोकेशन दे सकता है कि यहाँ पर हूँ। अब मेरे को नहीं लग रहा था कि पीछे वाला है, पीछे से रोटेशन मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, आखिरी जोन में कहीं से भी पड़ सकती है, सोलो से स्क्वाड में मैं बता रहा हूँ। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर रुका तभी ये बाहर आया, आई डोंट नो क्यों,
लेकिन ये बाहर आया जिसको मैंने फिनिश कर दिया। 16 किल हो गए थे, आखिरी 2 बंदे बच रहे थे। अब मेरे को नहीं पता था कि एक ही टीम के या फिर अलग अलग टीम के, तो मैंने फटाफट से एंगल बनाने के लिए कोशिश की एंड यहाँ पे आया। अब देखना, मैं पीछे भी देख रहा था पीछे से कोई ना आ जाए, तभी लेफ्ट में देख दिखा कुछ दिखा लेफ्ट में, ये वही बंदा था जो मतलब जो मेरा भी गिले वाला मारा था, इसका टीममेट था। अब बच रहा था आखिरी बंदा। अब 17 किल हो गए थे मेरे एंड इट्स 1v1 सिचुएशन मेरे को लग रहा था। या तो होगा 18 किल चिकन डिनर या फिर 17 किल सैड लाइफ। अब अभी का भी वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट में जाके बताओ कि आखिर होगा क्या। जैसे ही नेट फटा मेरे को पता चला कि ये आखिर सामने ही होगा बंदा एंड मेरे को लग रहा था कि वो पेड़ के पास टीपीपी ले रहा होगा। तब मैंने निकाला मेरा वाटर ग्रेनेड एंड उसने भी वाटर ग्रेनेड डाला था, उसको लगा कि मैं सामने कहीं पर हूँ, उसको पता नहीं था आई थिंक कहाँ पे हूँ। तो वाटर ग्रेनेड मेरा वेस्ट गया, वहाँ पे कोई नहीं था एंड देखना आप देखना। भाई ये मेरा आखिरी मौका था, ये मैं कैसे चूक गया मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके पास भी उसके पास ऑक थी। पता नहीं आजकल बंदे ऑक क्यों चला रहे, आई डोंट नो। मेरे को लगा कि वहाँ पे लेटर होगा लेकिन नहीं। अब यहाँ पर होने वाला है गेम प्ले में एक ट्विस्ट। अब मेरे को लग रहा था कि ये बंदा है उसके पास पेड़ के पास टीपीपी ले रहा होगा, तो वाटर ग्रेनेड डालूंगा फिर से वो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब मैं नेड भी डाल रहा था, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला एंड उसने समन कर दिया टॉर्नेडो एंड उसके पास था ट्राइडेंट। अब देखना, ये मेरे पास भगते भगते हुए आ रहा था टॉर्नेडो बैठ के, अगर मैं बाहर होता तो मैं पक्का मर जाता यहाँ पर। अब देखो इसका जो टाइमर चलता है कुछ 30 सेकंड का एंड जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तब इसको पता था हमें जोन में जाना है एंड ये टॉर्नेडो बहुत अच्छी चीज़, इसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब देखो इसका जैसे ही टॉर्नेडो खत्म होने आया मैं बाहर आ गया भागा। अब ध्यान में रखना मेरे पास एस है, जैसे ही इसका टाइम खत्म हुआ। अब देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ है मेरे को नहीं पता, सैड लाइफ।